मारवाड़ी मीटिंग आप देख रहे हैं। आज है 15 अप्रैल 2023 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि है। नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को असम के प्रसिद्ध बिहू फेस्टिवल के मौके पर गुवाहाटी पहुंचे। यहां उन्होंने कुल 14,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बड़ी खबर यह है, पीएम मोदी ने शुक्रवार को असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत को पहले एम्स की सौगात दी है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से, बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सीएम अशोक गहलोत के बाद अब राज्यपाल कलराज मिश्र की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है और राज्यपाल ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। और बड़ी खबर आपको दे दूं, पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में एक बार फिर कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान 397 नए केस मिले हैं, वहीं 3 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। गजेंद्र सिंह शेखावत ने पायलट और गहलोत मुद्दे पर बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा है कि अगर सचिन पायलट बीजेपी में आते हैं तो वह बाहें पसार कर स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति पार्टी में आता है तो उसको पार्टी की रीति और नीति पर विश्वास करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता स्वीकार करना होगा। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत अलवर पहुंचे थे। यहां उन्होंने बाबा मस्तनाथ जनसेवा राम भवन का उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी दौरान उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या सचिन पायलट भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पायलट भी पार्टी में आ सकते हैं, बस शर्त यह है कि किसी भी जनाधार वाले व्यक्ति को पार्टी की रीति नीति में विश्वास करना होगा। आगे बढ़ते हैं, पंजाब पुलिस के लिए भगोड़ा अमृतपाल सिंह बड़ी चुनौती बन गया है। पिछले 28 दिनों से अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी तक अमृतपाल सिंह का कोई भी सुराग नहीं मिला है। शुक्रवार को राजस्थान के हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू में भी अमृतपाल की तलाश शुरू हुई, लेकिन फिलहाल भगोड़े अमृतपाल का कोई भी इनपुट नहीं है। बीकानेर में कई जगह नाकाबंदी कर गाड़ियों की छानबीन की जा रही है। आपको बता दूं, यह अमृतपाल सिंह है कौन और क्या चाहता है। वैसे तो अमृतपाल सिंह अक्सर अलग अलग मंचों से खुद को सिख समुदाय का रहनुमा बताता रहा है, लेकिन पता चला है कि यह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। यह खालिस्तान को अपना मंजिल बता चुका है। और आपको बता दूं, अमृतपाल की लिंक पाकिस्तान के ISI के साथ जुड़े होने के प्रारंभिक संकेत मिलने के बाद केंद्र सरकार अलर्ट हुई थी। बीकानेर से बड़ी खबर है, बीकानेर में खेत की डिग्गी में डूबने से 2 बहनों और 1 भाई की मौत हो गई। तीनों चचेरे भाई बहन थे, यह बकरियां चरा रहे थे। इनमें से एक को प्यास लगी, वह पानी पीने के लिए डिग्गी में उतरा, उसके बाद वह डूब गया और उसको बचाने के चक्कर में तीनों एक के बाद एक डूब गए। पूरा मामला बीकानेर के पूगल के आसपास का है। वाकई में बड़ी दुखद खबर है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम को लेकर आपको बड़ी अपडेट दूंगा, क्योंकि मौसम विभाग ने अपने पहले वाले फोरकास्ट में बड़ा बदलाव किया। पहले मौसम विभाग ने कहा था कि 15 अप्रैल को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, लेकिन अब नए फोरकास्ट के मुताबिक 18 अप्रैल के आसपास नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। ऐसे में बारिश की संभावना 18 अप्रैल के बाद ही होगी। हालांकि स्थानीय स्तर पर बनने वाले परिसंचरण चक्र और अरब सागर से आ रही नमी के कारण इससे पहले भी बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन बड़ी अपडेट यही है, अगला पश्चिमी विक्षोभ अब 18 अप्रैल को सक्रिय होगा। इसकी वजह से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग व सेकावाटी क्षेत्र में 18 और 19 अप्रैल के दौरान मेघ गर्जन के साथ तेज धूल भरी आंधी भी चल सकती है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 1.6 करोड़ परिवारों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए अहम निर्णय लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की कार्य योजना का अनुमोदन कर दिया है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों को निःशुल्क फूड पैकेट वितरित किए जाएंगे। फूड पैकेट में क्या सामग्री मिलेगी, इसको लेकर भी लिस्ट आ गई है। प्रत्येक पैकेट में 1 किलो चना दाल, चीनी, नमक 1-1 किलो, खाद्य तेल 1 लीटर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, इनकी क्वांटिटी 100-100 ग्राम रहेगी और 50 ग्राम हल्दी पाउडर मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दूं, इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन 24 अप्रैल से आयोजित होने वाले महंगाई राहत
राहत कैंपों में होगा। वहीं आपको बता दूं, इस योजना में कॉर्नफेड सहकारिता विभाग द्वारा सामग्री कैरियर कर फूड पैकेट तैयार करके उचित मूल्य की दुकानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देश की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगवार हुआ है, जिसमें गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की हत्या कर दी गई है। तिहाड़ की जेल नंबर 3 में शाम 5 बजे गैंगवार हुई है, जिसमें 4 कैदी घायल भी हुए हैं। और आपको यह भी बता दूं, यह जो प्रिंस तेवतिया है, यह कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि प्रिंस ने पहले अब्दुल रहमान नामक कैदी पर हमला किया, उसके बाद रहमान और प्रिंस के साथियों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। आगे बढ़ते हैं, शराब बंदी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी कहीं न कहीं मजबूरी है कि हम शराब बंदी लागू नहीं कर सकते। सीएम गहलोत ने कहा है कि यह सत्य है कि मेरे राज्य में शराब बिक रही है। मैंने अपने जीवन की शुरुआत ही एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में की थी, लेकिन इसके बावजूद भी मजबूरी में शराब बंदी लागू नहीं कर सकते। सीएम गहलोत ने कहा कि मैं गांधी पीस फाउंडेशन का साधारण वर्कर भी था। हम लोग शराब बंदी के लिए आवाज भी उठाते थे। यानी कि सीएम गहलोत की बातों से यह साफ है कि राजस्थान में सीएम गहलोत शराब बंदी के पक्ष में नहीं है। दरअसल आपको यह भी बता दूं, शराब से राज्य सरकार को मोटी कमाई होती है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।